तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं तीन इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स को जैसा कि आपने ऑलरेडी थंबनेल पे नाम देख लिया है और इनके रिगार्डिंग कुछ बड़ी अपडेट्स भी आपके साथ में साझा करने वाला हूँ आगे की रणनीति भी हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा तो सबसे पहला जो स्टॉक है जिसकी हम बात करेंगे वो है एल टी टी एस एल टी टी एस के स्टॉक में आज आप देखिए तो करीब हमको साढ़े चार परसेंट के आसपास की भारी गिरावट देखने को मिल रही है कल ही एल के क्वार्टर टू के नंबर आए हैं पूरा हमने इसको एनालाइज भी किया था तो एस पर मी यहाँ पर नंबर्स काफ़ी डिसेंट थे कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नंबर्स में नज़र नहीं आई मार्जिनस हमको सस्टेंड देखने को मिले प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ थी रेवेन्यू टर्म्स में अगर आप देखें तो वाई वाई बेसिस पे अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है और डील पाइपलाइन भी अच्छी है इस क्वार्टर में भी इन्होंने एक सिक्सटी मिलियन डॉलर प्लस की डील विन की पिछले दो क्वार्टर में भी लगातार ये पचास मिलियन डॉलर की डील विन कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट इनका काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है आगे की जो गाइडेंस है वो मैनेजमेंट ने यहाँ पर रिवाइज़ कर दी है तो सारी चीज़ें अच्छी नज़र आई लेकिन आज के दिन स्टॉक में स्टिल गिरावट है तो यहाँ पर कुछ अपडेट्स हैं जो एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से कुछ अपडेट्स रही वो आपके साथ साझा करूँगा तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट आज के दिन देखने को मिल रही है कि एल एन टी टेक्नोलॉजी फॉल्स एज एनालिस्ट सी वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड गाइडेंस एम्बिशियस तो वैल्यूएशन यहाँ पर अभी भी स्ट्रेच्ड बताए जा रहे हैं और जो गाइडेंस है वो एम्बिशियस बताई जा रही है तो यहाँ पर जो एनालिस्ट हैं जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं उनका इस तरफ से क्या यहाँ पर टारगेट्स आ रहे हैं चलिए उसको देखते हैं तो आई सी सिक्योरिटीज़ की तरफ से आप देखिए कि उन्होंने यहाँ पर रिड्यूस की रेटिंग दी है तो उनका जो टारगेट प्राइस है वो थ्री वन थ्री टू के आसपास है अभी आई थिंक पैंतीस सौ के आसपास ये स्टॉक का प्राइस चल रहा है तो वहाँ से अभी डाउन साइड काफ़ी अच्छी यहाँ पर आई सिक्योरिटीज़ की तरफ से यहाँ पर बताई जा रही है तो उनका कहना है कि जो गाइडेंस है जो सजेस्टेड जो गाइडेंस है फॉर एफ वो थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है जो यहाँ पर अगले दो क्वार्टर्स की बात करें तो सॉफ्टनेस आ सकती है रेवेन्यू ग्रोथ में क्योंकि जो मैक्रो हेडविंड्स हैं वो यहाँ पर कंपनी फेस कर सकती है और आईटी सेक्टर के साथ ये अभी सेंटिमेंट्स चल ही रहे हैं क्योंकि जो इनका क्लाइंट बेस है बेसिकली दे आर बेस्ड आउट ऑफ यूके यूरोप नॉर्थ अमेरिका और वहाँ पर रिसेशन की संभावनाएं हैं तो मैक्रो हेडविंड्स की बात यहाँ पर की जा रही है जो कि हर आई कंपनी के साथ है तो उनका कहना है कि इसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ जो है यहाँ पर अगले दो क्वार्टर में वीक रह सकती है हालांकि इस क्वार्टर में भी वीक बताई जा रही थी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं तो ये जो सिक्योर जो ये ब्रोकरेज फार्म है दोस्तों इनका क्या कहना है ये भी हमारे लिए जानना काफी ज़रूरी है तो इनका कहना है कि जो लॉन्ग टर्म रेवेन्यू गाइडेंस है 1.5 बिलियन डॉलर का रन रेट बाय ट्वेंटी थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है ये अचीव नहीं कर पाएंगे ऐसा इनका कहना है बिकॉज ऑफ मैक्रो चैलेंजेस तो ये तो फ्यूचर की बात है लेकिन इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल की रेटिंग दी गई है थ्री वन थ्री टू के टारगेट दिए गए हैं मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बात करी जाए तो इनका यहाँ पर बाई की टारगेट आ रहा है उनका जो टारगेट है रेटिंग आ रही है बाइक की रेटिंग जो इनका टारगेट है फोर टू थ्री जीरो का है तो करीब पंद्रह परसेंट की अपसाइड इनके द्वारा बताई जा रही है तो इनका कहना है कि एल एन डी टैक यहाँ पर की बेनिफिशियरी है ऑफ द राइजिंग पेनिट्रेशन ऑफ ई आर डी सर्विसेज एंड पिक इट एट एज द बेस्ट टीयर टू सर्विसेज प्ले इन द कवरेज यूनिवर्स तो यहाँ पर उनका कहना है कि पाइपलाइन यहाँ पर स्ट्रांग है कंपनी की जो एक्सपेक्टेड uh, गाइडेंस थी वन बिलियन डॉलर की जो वन पॉइंट फाइव बिलियन डॉलर की है वो अचीवेबल है एंड एडेट द डील विंस रिमेन द हेल्थ तो डील विंस भी अच्छी है तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से यहाँ पर पॉजिटिव रेटिंग आ रही है कोटे इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की तरफ से आप देखिए कि सेल की रेटिंग यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रही है और उनका कहना है कि यहाँ पर बत्तीस के प्राइस पर ही फेयर वैल्यू नजर आ रही है और जो प्रीमियम वैल्यूशन है उनकी तरफ बताए उनके द्वारा बताई जा रही है जो कि ऑलरेडी बेगडिन है और जो रिस्क है पोटेंशियल इकोनॉमिक स्लो डाउन का वो यहाँ पर हमको आती भी देखने को मिल रही है तो उनकी तरफ से यहाँ पर तो मतलब दो जो यहाँ पर ब्रोकरेज फार्म हैं उनकी तरफ से सेल की रेटिंग आई है ऑलमोस्ट बत्तीस के आसपास की यहाँ पर टारगेट बताए जा रहे हैं और मैं कुछ और भी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो उसमें सिटी की तरफ से भी सेल के टारगेट आए हैं सी की तरफ से भी यहाँ पर सेल के टारगेट आए हैं तो ज़्यादातर की तरफ से यहाँ पर सेल की रेटिंग्स आ रही है और इसी वजह से स्टॉक में यहाँ पर आज गिरावट देखने को मिल रही है तो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से यहाँ पर जो है गाइडेंस नहीं दी गई मैनेजमेंट के द्वारा और यहाँ पर थोड़े से नंबर्स उस प्रकार से वीक नज़र आ रहे हैं एज़ पर स्ट्रीट्स तो ये जो है दोस्तों शॉर्ट टर्म फेनोमेना है लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ई आर एंड डी स्पेस काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा यहाँ पर जितनी भी ई आर एंड डी कंपनीज़ हैं काफ़ी अच्छा करेंगी शॉर्ट टर्म मैक्रो एडवेंट्स ये सारे इशूज़ रहेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म विजन अगर आपका है तो मेरे ख्याल से अच्छा मौका है एल टी टी एस को यहाँ पर बाय करने का अच्छे खासी सपोर्ट पे है 42 परसेंट की करेक्शन पे है मुझे लग रहा है काफ़ी सारी चीज़ें प्राइज इन है डील विन्स अच्छी हैं जो सेगमेंट है ई ER आर का वो काफ़ी अच्छा है मार्जिन्स कंपनी मेंटेन कर रही है अगले दो क्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तो धीरे धीरे आप इसको एक्ूबलेट करना शुरू कर सकते हैं क्योंकि तो बॉटम किसी को नहीं पता देखिए आप बॉटम पे जाके बाय करेंगे तो हो सकता है स्टॉक उससे पहले ही काफ़ी ऊपर आपको देखने को मिले तो एक जर्नी है बॉटम की तरफ हमको धीरे धीरे यहाँ पर एक्यूबलेट करना है एस वे में बॉटम ना ही टॉप पता है किसी को ना ही बॉटम पता है तो हम यहाँ पर अगर बीच में भी बाय करते हैं तो अगर स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई तक भी जाएगा कभी फ्यूचर में तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी अच्छी ग्रोथ हमको फिर देखने को मिलेगी तो आप धीरे धीरे एक्ूबलेट कर सकते हैं अगर आपको बिजनेस पर भरोसा है पेरेंटेज काफ़ी अच्छी है जो है सेगमेंट काफ़ी अच्छा है डील विंस काफ़ी अच्छी है आगे ईआरएनडी e जो सेगमेंट है इसमें अगर जितने भी छह अगर मैं ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करूं तो एल टी टी पर मुझे लगता है काफ़ी अच्छा ग्रो करता हुआ नज़र आएगा और काफ़ी अच्छे बड़े टाइप्स भी कंपनी करती हुई नज़र आ रही है तो ये होगी पहली कंपनी दूसरी कंपनी उसके यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज़ और आरती इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग भी मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे और आज के दिन देखिए करीब नाइन परसेंट के आसपास की भारी गिरावट है तो क्यों हो रही है गिरावट क्या है उसके पीछे रीज़न तो उसके पीछे रीज़न है दोस्तों देखिए जो यहाँ पर आर्थिक इंडस्ट्रीज़ है उसका फार्मा बिज़नेस जो इनका फार्मा वाला जो इनका व्यापार है वो अलग हो रहा है डीमर्ज हो रहा है जैसे कि आपको ऑलरेडी पता ही है मैंने इसको कवर भी किया था तो रिकॉर्ड डेट इसकी कल के दिन रहने वाली है और अभी एक्स डेट हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है तो यानी कि जो फार्मा का बिज़नेस है वो इनका स्पेशलिटी केमिकल वाले बिज़नेस से अलग हो रहा है तो यहाँ पर स्टॉक का प्राइस भी एक्स फार्मा यहाँ पर आज हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है तो इसी वजह से स्टॉक में आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है और ऊपरी इस तरह से आप देखेंगे तो आरती इंडस्ट्रीज का स्टॉक फोर्टी टू परसेंट से ज्यादा यहाँ पर करेक्ट हो चुका है आप देखिए फोर्टी टू परसेंट से ज्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुका है और मेरे हिसाब से आरती स्पेशलिटी केमिकल देखिए अब यहाँ पर बिजनेस अलग हो चुका है आरती का अब ये जो है केमिकल वाला बिजनेस अलग हो चुका है फार्मा वाला बिज़नेस अलग हो चुका है आरती फार्मा लैब्स के नाम से ये कंपनी अब लिस्ट होगी आगे आने वाले एक क्वार्टर के आसपास और आरती इंडस्ट्रीज़ जो है इनका केमिकल का बिजनेस अब यहाँ पर अलग हो चुका है तो दोनों के बिज़नेस का फोकस अलग होगा स्ट्रैटेजिक जो अलोकेशनस होंगे वो अलग होंगे तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है अगर आपका कोई अच्छा बिज़नेस जो है ग्रो कर रहा है तो उसमें आपको डीमर्ट करना ही फायदे का सौदा है तो आरती फार्मा अलग होगा और जो आरती इंडस्ट्रीज़ के जिसके पास चार स्टॉक्स हैं उसको फार्मा का एक स्टॉक यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है रिकॉर्ड डेट यहाँ पर कल की है और आज एक्स जो है फार्मा ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है इसी वजह से ये गिरावट है और कोई रीज़न यहाँ पर जो है न, 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 कोई फंडामेंटल इश्यूज यहाँ पर कंपनी में नहीं है अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये तो है बात हो गई कि क्यों यहाँ स्टॉक गिरावट हुई है अब देखिए आरती इंडस्ट्रीज़ के शेयर होल्डर्स को आरती फार्मा का एक शेयर मिलने वाला है तो आरती फार्मा का बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा है और आरती स्पेशलिटी केमिकल का बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा है तो जो यहाँ पर बने हुए हैं आरती इंडस्ट्रीज़ में बने रहिए क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज़ एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है लॉन्ग टर्म आप देखिए कितनी गज गज़ब, गज़ब की कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग इसने करके दी है सिक्सटी टू थाउजेंड परसेंट के, के रिटर्न आरती इंडस्ट्रीज़ ने बना के दिए हैं और इनका जो स्पेशलिटी केमिकल वाला बिजनेस है वो भी अच्छा है आरती फार्मा का बिजनेस भी अच्छा है अब मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा देखिए केपेक्स की बात करते हैं सबसे पहले हम आरती इंडस्ट्रीज़ के तो मैनेजमेंट का क्या कहना है हम यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज की ही बात कर रहे हैं देखिए पिछले कौन कॉल की बात कर रहे हैं तो तीन हजार करोड़ का केपेक्स अगले दो साल में होने वाला है ठीक है अगले दो साल में होने वाला है जिसमें से करीब तीन हजार पच्चीस सौ के आसपास का जो तीन हजार से पच्चीस सौ करोड़ का आसपास का जो केपेक्स है वो सिर्फ केमिकल बिजनेस में होने वाला है और पाँच सौ करोड़ के आसपास का जो बिज़नेस है वो यहाँ पर फार्मा में होने वाला है तो गज़ब कहां यहाँ पर केपक्स होने वाला है आगे की जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं आरती इंडस्ट्रीज़ के और फार्मा का बिज़नेस भी इनका काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है फार्मा की बात करें तो आप देखिए कि इनका फार्मा का बिज़नेस 48 परसेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो करा है पिछले क्वार्टर में और पिछले आ, पाँच साल की बात करो तो ट्वेंटी परसेंट सी एच आर से इनका फार्मा बिजनेस भी ग्रो हो रहा है और एबिट मार्जिन भी अराउंड अरउंड आई थिंक ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी फाइव परसेंट के आसपास रहते हैं फार्मा बिज़नेस के तो दोनों ही बिजनेस अच्छे हैं कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है इशूज़ क्या हुए थे कि इनको एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिला था हाल तीन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिले थे इनको केमिकल बिजनेस में एग्रो केमिकल जहाँ पर ये इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड कराने वाले थे एक बड़ी एम को ग्लोबल एम को जिसमें से एक लॉन्ग टर्म इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया अब बाकी दो बचे हुए हैं तो एक लॉन्ग टर्म कैंड कॉन्ट्रेक्ट कैंसिल होने की वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुए स्टॉक का प्राइस हमको काफ़ी गिरता हुआ देखने को मिला लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक का पी जो है वैल्यूशन जो है काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आते हैं आरती इंडस्ट्रीज़ के और कंपनी अच्छी है मैनेजमेंट अच्छा है लॉन्ग टर्म प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का बेंजीन और टूलिन जो केमिस्ट्री है उसमें बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है और एक लीडिंग प्लेयर है तो यहाँ पर आप डेफ़िनेटली आरती इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक को अगर बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं आगे के एक्सपेंशन प्लान्स अच्छे हैं तो आप इसको ज़रूर बाय कर सकते हैं हैवी बाइंग मत कीजिएगा थोड़ी लिमिटेड बाइंग कीजिएगा एस वे में क्यू टू के नंबर्स का वेट कीजिए नंबर्स अच्छे आते हैं तो और बाइंग कीजिएगा नंबर्स ख़राब आते हैं तो स्टॉक और गिरेगा कमेंट्री सुनेंगे उसके बाद यहाँ पे यहाँ पर जो है डिसाइड करेंगे फार्मा का बिज़नेस की बात की जाए तो मेरे ख्याल से फार्मा का बिज़नेस भी अच्छा है आपको अगर फार्मा का बिज़नेस मिल रहा है अगर आप आरती इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टेड थे तो उसको भी आप होल्ड कर सकते हैं उसके भी प्लान्स काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि तो यहाँ पर भी अच्छा केपेक्स होने वाला है देखिए फार्मा के बिजनेस में भी अच्छा केपेक्स होने वाला है केमिकल के बिज़नेस में भी अच्छा केपेक्स होने हैं फार्मा में ये पचास नए प्रोडक्ट्स यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं तो आगे जो ग्रोथ एस्टिमेट्स है वो काफ़ी अच्छे हैं दोनों के बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए बाई एफ आई पैड ग्रोथ यहाँ पर थ्री टाइम्स टू फोर टाइम्स हमको होती हुई देखने को मिल सकती है इबिट्टा थ्री टू फोर टाइम्स होता हुआ देखने को मिल सकता है तो कंपनी के ग्रोथ एस्टिमेट्स और जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं वो यहाँ पर हमको ट्रैक करने पड़ेंगे साल दर साल यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना पड़ेगा क्या जो मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स हैं जो गाइडेंस है क्या वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है नहीं तो इस हिसाब से आपको बिजनेस को ट्रैक करना पड़ेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस तरीके से होल्ड करना है बिजनेस की समझ होना ज़रूरी है तभी दोस्तों हम कन्विक्शन के साथ होल्ड करते हैं तो मेरे हिसाब से आर्थ इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है बने रही है पर जो वैल्यूशन है वो भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं अब नेक्स्ट जो कंपनी इसके बारे में हम बात करेंगे वो है दोस्तों यहाँ पर पिरामल फार्मा पिरामल फार्मा का आज स्टॉक यहाँ पर लिस्ट हो चुका है जिसका इंतज़ार सभी को था देखिए आज एक बड़ी कैंडल देखने को मिल रही है तो एक दिन के कैंडल ज़्यादा समझ नहीं आएगा मैं पाँच मिनट की कैंडल यहाँ पर लगाता हूँ तो देखिए यहाँ पर हाई बना था करीब करीब दो सौ रुपये का हाई बना था दो सौ दो सौ एक रुपये का हाई बना था अभी स्टॉक में करेक्शन हो चुकी है तो जो एक्सपेक्टेड था दो सौ से दो सौ बीस तक का प्राइस पिरामल फार्मा का वहीं के आसपास लिस्ट हुआ है लेकिन अभी करेक्शन देखने को मिल रही है तो मेरे ख्याल से एक सौ नब्बे के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करा तो आप इसको बाय कर सकते हैं पिरामल फार्मा को क्योंकि पिरामल फार्मा कंपनी अच्छी है कोई प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर है नहीं पिरामल फार्मा की बात करें तो थोड़ा सा मैं एक आर्टिकल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मोतीलाल ओसवाल का तो इनका जो सी डी एम ओ रेवेन्यू आता है वो सिक्सटी परसेंट के आसपास आता है जो इनका कंज्यूमर जो इनका बेसिकली यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स हेल्थ जेनरिक्स वाला बिजनेस है वो यहाँ पर करीब करीब ग्यारह परसेंट है और इनका जो कॉम्प्लेक्स हेल्थ सॉरी जो कॉम्प्लेक्स हेल्थ जेनरिक्स वाला बिज़नेस है वो यहाँ पर थर्टी परसेंट के आसपास है और जो इनका आ, इंडिया कंज्यूमर है जो हेल्थ केयर वाला बिजनेस है वो ग्यारह परसेंट का है तो काफ़ी अच्छा सी डी एम ग्रोथ इनकी हो रही है टेन परसेंट सी सी आई जी आर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है थी यहाँ पर जो कि जिस बिज़नेस ने यहाँ पर रजिस्टर्ड की है टेन परसेंट के आसपास की ग्रोथ आगे भी यहाँ पर ट्वेल्व परसेंट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है सी डी एम ओ में जहाँ पर इनकी अच्छी एक्सपर्टीज़ है कैपेबिलिटीज़ है इनके पास ग्लोबल जो कंपनीज uh, हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइंड है जो कॉम्प्लेक्स हेल्थ जेनरिक वाला बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा करता हुआ नज़र आएगा नीच पोर्टफोलियो है इनके पास ठीक है और गोइंग फॉरवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पाइपलाइन के तहत इनकी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है नीच एरिया में कंपनी काम कर रही है और जो इनका यहाँ पर इंडिया कंज्यूमर हेल्थ वाला बिज़नेस है जो हेल्थ है हेल्थ uh, केयर वाला बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा है जहाँ पर ज़बरदस्त ब्रांड हैं इनके पास देखिए लैक्टो आई पी पॉलीक्रॉल स्ट्रेपसिल स्टेटमोसॉल सेरेडोन जैसे ब्रांड्स हैं इनके पास जहाँ पर अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है तो ये मल्टी मिलियन जो है डॉलर वाले इनके पास ब्रांड्स हैं और काफ़ी ज़बरदस्त ब्रांडिंग करते हैं यामी गौतम इनके ब्रांड एंडोर्स करती है ठीक है अजय देवगन आई थिंक टेटमोसॉल का ब्रांड एंडोर्स करते हैं तो काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग करते हैं तो इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है पिरामल ग्रुप काफ़ी अच्छा ग्रुप है और फार्मा का बिज़नेस मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली अच्छा ग्रो कर सकता है आगे आने वाले भविष्य में तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्टेड रह सकते हैं बाकी पिरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड की मैं आपको फिर से कहूँगा यहाँ पर मुझे कोई अच्छा बिजनेस मॉडल समझ नहीं आता जो इनकी लैंडिंग आर्म है वो इतनी ज़्यादा रोबस्ट नज़र नहीं आती इससे अच्छा तो बजाज फाइनेंस एंड जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स से हैं वो अच्छे नज़र आते हैं तो ये है दोस्तों तो तीन स्टॉक्स तीन स्टॉक्स के रिगार्डिंग अपडेट्स आगे की रणनीति आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कोई क्वेश्चन डाउट है जरूर पूछ सकते हैं जरूर रिप्लाई करूँगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल एंड टेक केयर बाय बाय